क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि काश हम कभी कुछ भूलते ही नहीं तो बार बार रिवाइज ही ना करना पड़ता, और बार बार रिवाइज ही ना करना पड़ता तो सारी चीज़ें मुझे वैसी की वैसी याद रहती तो कितना सिंपल हो जाता ना। बट आज हम जानेंगे कि भूलना क्यों बहुत ज़रूरी है, और ये भी कि साइंटिफिक टेक्निक्स क्या हैं जिससे हम अपनी मेमोरी को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जानने के लिए कि भूलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें ये समझ आ जाना चाहिए कि ब्रेन काम कैसे करता है। तो हमारा ब्रेन इंटेंशनली और अनइंटेंशनली बहुत सारी मेमोरीज फॉर्म करता है, और बेसिकली वो मेमोरीज जो होती हैं वो शॉर्ट टर्म मेमोरी की फॉर्म में स्टोर हो जाती हैं। तो अब सवाल ये आता है कि अगर आप कहो कि भूलना तो अगर मैं कुछ भूलूँ ही नहीं कभी और मुझे सब कुछ वैसे का वैसा याद रहे, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि हमारा ब्रेन एक पॉइंट पर सैचुरेट हो जाएगा और इन्फॉर्मेशन वो ले ही नहीं पाएगा? और क्या ऐसा नहीं होगा कि अगर सब कुछ मुझे एग्जैक्टली वैसे का वैसा ही याद रहे तो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा? और ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई मेरे साथ बुरा इंसिडेंट हुआ है या ट्रैजिक इंसिडेंट कोई हुआ है और मैं उसको भुला ही नहीं पाऊँगा? तो इसीलिए भूलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब सवाल यह आता है कि हमारा ब्रेन जो है वो हर तरह की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है, उसको मेमोरी की फॉर्म में स्टोर कर लेता है, लेकिन हमारे ब्रेन को ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है और कौन सी इन्फॉर्मेशन काम की नहीं है जिसे हमें भूल जाना चाहिए? अक्सर ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा, कि हम जो भी पढ़ते हैं वो हमें याद नहीं रह पाता है, हमें लगता है ये तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बट फिर भी हमारा ब्रेन उन चीज़ों को क्यों भूल रहा है? तो अब बात करते हैं कन्वेंशनली कैसे हम पढ़ाई करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से देखी हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मेरे तरीके से भी सिमिलर हैं, लेकिन ये साइंटिफिक टेक्निक्स है जो मैं अब आपको बताऊंगी। बेसिकली क्या होता है कि हम कन्वेंशनली, मान लो मैंने आज एक चैप्टर पढ़ा और 2 से 3 दिन के बाद मैंने उसे वापस वो चैप्टर को रिवाइज़ किया, तो अब जब मैंने उस चैप्टर को रिवाइज़ किया होगा तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि हम लोग नोट्स उठा लेंगे, हम लोग बुक में जो हाईलाइट किया हुआ है वो उठा लेंगे और उसको रिवाइज़ कर लेंगे, और उसके बाद ऐसा लगेगा कि हाँ यार मुझे तो सब याद हो गया। लेकिन साइंटिफिकली ये तरीका थोड़ा सा गलत है। तो साइंस क्या कहती है, लेट्स सी। तो साइंस के अकॉर्डिंग हमें अपने ब्रेन को ये बताना पड़ेगा कि ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें वो इन्फॉर्मेशन को ब्रेन से निकालना पड़ेगा। बार बार अगर हम इन्फॉर्मेशन को ब्रेन से आउटपुट की तरह से निकालेंगे, हम वो इन्फॉर्मेशन को कहीं यूज़ करेंगे, तो हमारे ब्रेन को ये समझ आ जाएगा कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, और उसको वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम वो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करें। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर ऐसे इन्फॉर्मेशन को हमें यूज़ करनी है तो वो हम कैसे करें? हम तो नोट्स भी रिवाइज़ कर रहे हैं, हम तो बुक्स भी रिवाइज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर वो भी तो हम इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं। लेकिन नहीं, वो इन्फॉर्मेशन हम बार बार ब्रेन को दे रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा एफिशिएंट तरीका क्या है कि हम ब्रेन से वो इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करें। और एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या होता है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी एग्जाम के टाइम पर हम रिट्रीव करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जो आप टेस्ट देते हो, जो आप प्रैक्टिस टेस्ट देते हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप टेस्ट दोगे तो आपको ये पता चलेगा, आप वो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करोगे, और उसके बाद अगर आप कोई भी चीज़ भूलोगे तो उसके बाद आप फिर वो चीज़ देख लोगे तो आपको हमेशा हमेशा के लिए बहुत टाइम तक वो याद रहेगी। तो इसीलिए टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले चीज़ हमने सीख ली कि हमें टेस्ट देने हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हम डे टू डे लाइफ में अपना ये रिविजन के अंदर ले आए तो इससे हमें जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगी। तो हम प्रैक्टिकली अपने शेड्यूल में कैसे वो चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले आप क्या करो कि जैसे आप कोई भी चैप्टर आज पढ़ते हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपने वो चैप्टर आज पढ़ा, उसके बाद आपने 2 से 3 दिन के बाद क्या किया, जब उसका रिविजन किया, तो अब आप क्या करोगे, अब आप नोट्स और अपनी बुक को खोले बिना या तो पहले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो चाहे भले ही आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे ना हो, लेकिन क्या होगा, आप इन्फॉर्मेशन को यूज़ करोगे, और जो इन्फॉर्मेशन फिर आप भूल रहोगे, जो चीज़ें आप भूल रहोगे, वो वापस से जब आप रिवाइज़ करोगे तो वो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगे। या फिर जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आप क्या करो, आप अपने नोट्स कंप्लीटली मत पढ़ो, थोड़ा थोड़ा, एक बार जैसे आपने अपने नोट्स खोले उसके बाद कुछ कुछ पार्ट उसमें पढ़ लिया और बाकी पार्ट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करो अपनी पुरानी मेमोरी को यूज़ करके। तो ये ऐसे तरीके हैं जिससे आप क्या करोगे कि जो आपने इन्फॉर्मेशन दी थी अपने ब्रेन को, जो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में स्टोर्ड है, उसको जब आप रिट्रीव करोगे तो आपकी मेमोरी और ज़्यादा स्ट्रांग होगी और आपको जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगी। सो दीज आर सम साइंटिफिक टेक्निक्स जो आप यूज़ कर सकते हो अपनी डे टू डे लाइफ में। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको और बताऊंगी कि मेमोरी को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्या हमारा पूरा शेड्यूल होना चाहिए, कैसे हम प्लान करें, साइंटिफिकली क्या सही तरीका है जिससे हम अपनी मेमोरी को और शार्प कर सकते हैं, अपने फोकस को, अपने कॉन्सेंट्रेशन को और बढ़ा सकते हैं।
सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके लिए मैं लेकर आऊँगी, जिससे आई होप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट नीट रिलेटेड, बट अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, आप IIT की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इन वीडियोज़ से आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। सो सी यू गाइज, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट।